तो चले। रीता मैं स्टॉप करूंगी रैली को, मुझे आगे नहीं बढ़ाना, बीच में कोई हंसेगा नहीं, एंड बी सीरियस, ठीक है? यस मैम। तो अपन कायदे से आगे कुछ आप पीछे बोल रहे हैं, आगे कुछ बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है? बी सीरियस एंड नो वोटिंग एट ऑल। अमेरिकन सोसाइटी फॉर हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। हमें आज यहाँ पे मौका दिया है कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने, जिनके बड़े शुक्रगुजार हैं, ताकि हम जो नशा मुक्त भारत प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ताकि हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकें, लोगों को अवेयरनेस दें हम इस बारे में सब्सटेंस अब्यूज़ क्या चीज़ है और ये किन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ वाबस्ता रहता है। तो ये हमारी मुसलसल काविश है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम पहुँचाएँ कि इससे क्या हो सकता है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे या रिश्तेदारों के लेवल पे या ओवरऑल सोसाइटी में कितने मनफी असरात इसके होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को जितना भी हम ये अवेयर करें इसमें, ताकि सोसाइटी हमारी जो है ना इससे निकल आए। अभी जो यहाँ के रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुतालिक कहें कि तो मतलब यहाँ लगता है कि बड़ी अलार्मिंग लेवल पे ड्रग अब्यूज़ है यहाँ पे, तो इसका तदारुक बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इसकी प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर प्रिवेंशन में ही हम उसको ज़्यादा फोकस करें तो शायद लोग इसके एडवांस स्टेज पे न जा सकें। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके लिए चर्चाएं की जा रही है, इवेंट्स बनाकर किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रुकूमत भी इसके लिए खर्च की जा रही है, लेकिन फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कहाँ पर कोताही है? जी मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये एपिडेमिक की सूरत अब यहाँ ले चुका है, इसके लिए बेहतरीन यही है कि ये कम्युनिटी में ही ये प्रोग्राम लिए जाएँ। बस इसके लिए कि मसलन एक डेढ़ सेंटर यहाँ पे कहीं है, दो तीन जगहों पे हैं, और एक ये चूँकि सोशल टैबू इसमें इन्वॉल्व है, लोग रिलेक्टेंट हैं उन जगहों पे ले जाने के लिए अपने बच्चे को या किसी अजीज़ को। बेहतरीन यही है कि जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मसलन मास्क हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उन जगहों पर ही ये प्रोग्राम लिया जाए कम्युनिटी के पास, और वहाँ छोटे वसाइल जो है ना स्क्रीनिंग के वहाँ मैसर किए जाएँ, और अगर किसी वालिद को लगे कि मेरे बच्चों को मसलन ऐसा कुछ है, शक है, वो इजीली ले सकता है बंदे को वहाँ पे, और पता चलेगा इमीडिएटली कि उसको क्या मसला है। ये बहुत आसान तरीका है, बजाय इसके बहुत सारे रुकूमत खर्च की जाएँ बड़े प्रोग्राम्स पे, ये कम्युनिटी पे लिया जाए, ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स का होगा। डॉक्टर साहब, ये जा रही है हमारी सोसाइटी में जो है सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स में पर्टिकुलरली, अगर वो देखते भी हैं कि उनके बच्चे किसी ऐसे ड्रग्स में सोसाइटी में, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है इससे बाहर आए। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल है वालदैन का, वालदैन को अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए। अभी देखें, अगर हम देखें आज से 20, 30, 40 साल पहले बच्चे तो खेलते थे, हम यही देखते थे कि किसी बुरे लड़के के साथ नहीं उठता है, लेकिन अभी ये चूंकि अपने घरों पे आ गया ये मसला, वालदैन को बच्चे पे नज़र रखना ज़रूरी है, क्या इसके बिहेवियर में चेंज तो नहीं आई है, क्या इसके घर से एबसेंट तो नहीं रहता है, इसके दोस्त कौन से हैं, ये सोशल मीडिया पर क्या देखता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारे जो है ना, अब चूंकि ये सोसाइटी ऐसी है, क्लोज नेट सोसाइटी है, यहाँ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे का बहुत ज़्यादा रोल है, वहाँ पे अगर जो है ना ये बच्चों को देखा जाए, बताया जाए कि उन उनसे ये जो है ना इंटरेक्ट करके उनके मतलब माइंड सेट को देखा जाए कि ये क्या मसला है, किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बेहतरीन तरीका है। फिर तीसरे लेवल पर जो स्कूल हैं और कॉलेज हैं, मैं समझता हूँ कि उसातिज़ा को ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि ये सिम्टोमेटोलॉजी कैसे ये करें और इन बच्चों को ये कैसे एक जो है ना इससे बाहर रख सकते हैं। इसमें स्कूलों, कॉलेजों और इंस्टीट्यूशंस का, कम्युनिटी सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है, वो बहुत काम कर सकते हैं इसमें। सप्लाई और डिमांड का बड़ा ये है, अगर सप्लाई है डिमांड भी बढ़ती है, अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड ओबवियसली कम हो जाएगी।
तो बेहतरीन यह है कि निप द इविल इन द बड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़राए देखे जाएँ कि ये सप्लाई कहाँ से आती है, उनको सबसे पहले कर्ब किया जाए। उसके बाद जो मुबतला हुए हैं उनको जेलों में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। उनको रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। रिहेबिलिटेशन बहुत तरीके हो से मतलब है, दो मिनट के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट की जाए उन बंदों की, उनको किसी काम में जो है ना इन्वॉल्व किया जाए, उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया ताकि वो इसे निकल सकें। इसका बेहतरीन तरीका यही है। स्टूडेंट हैं जिनको स्कूलों के अंदर ही जो है ना एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए, काउंसलिंग इनकी हो जाए, उनके एक ग्रुप बनाए जाएँ, जैसे हम अभी दुनिया में एक मूवमेंट चलते हैं जिसका नॉर्कोटिक एनोनिमस ग्रुप्स हैं, इस तरह उनको मिलाया जाए। दूसरे जो एडिक्ट है, जो रिहैबिलिटेट हो गए, उनसे इंटरेक्ट कराया जाए ताकि उनको एनकरेजमेंट हो जाए कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं। मैं सजेस्ट पेरेंट्स करूँगा कि टू कम फॉरवर्ड, सोशल सेगमेंट की तरफ ना जाएँ। अपने बच्चे को अगर बचाना है, अपने मुस्तकबिल को बचाना है, अगर उनको कोई भी शक है, अपने बच्चों को कम्युनिटी में लाएँ और उसके टेस्ट कराएँ, और अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो कराएँ और उनके साथ वक्त गुजारें ताकि वो बच्चे जो है ना कनेक्टेड फील करें।